थी। तो सर आप हो हार्वेस्ट एग्री सर्विसेज के डीएम मिस्टर दीपक सिंह और मैं असिस्टेंट मैनेजर श्याम सिंह। तो ये साइड है अपनी जसवंत विहार की, तो इसमें अपन क्या क्या कर रहे हैं थोड़ा डिटेल बताओ ऑफिस को। अपन इस वाले में तो स्टार्टिंग में है जो अपन कार पेंचिंग का करवाना, कार पेंचिंग करवाने के बाद में इसमें प्रत्येक जो इसमें अपने जो बेड है बेड में प्रत्येक पे खड्डे होना है 12 बाई 12 में कार पेंचिंग। अच्छा, कार पेंचिंग के लिए तो होगा ही सही, लेकिन इसमें तो अपने को पौधा लगेगा तो उसके लिए भी प्रत्येक मेड मेड पे अपने खड्डा होना। तो सर पौधे किस किस के लग रहे हैं? इसमें आम के लग रहे हैं और जामुन के लग रहे हैं। अच्छा, जामुन के। तो सर जरा कैमरा घुमाइए, साइड दिखाइए किस साइड है। 4 बीघा की साइड है, 4 बीघा की साइड है चारों तरफ। इसमें करना है जामुन और आम का प्लांटेशन करना है। जामुन और आम का लगाना है अपने को। और सर इसके अलावा क्या करना चाहेंगे आप इसमें? जैसे आपको साइड मिली है तो वेजिटेबल्स का करना है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो सर इस सीजन के हिसाब से क्या सब्जी करोगे आप? इसमें टोमेटो करेंगे, टोमेटो के बाद में मिर्ची करेंगे। अच्छा, और मिर्ची के बाद जो मेथी पालक के वो करेंगे। तो सर ये जो खड्डे हैं सारे, तो इनका क्या रहेगा, मतलब कितने बाई कितने पे है वो? ये 12 बाई 12 पे है और 2 बाई 2 गहराई है। अच्छा, ठीक है। और इसमें ऐसा है कॉम्बिनेशन, एक छोड़ के दो, एक पे आम लगेगा और एक पे जामुन लगेगा। तो सर पौधे तो बढ़िया गारंटेड आएंगे ना? गारंटेड है अपने पास। एक तो मलिका है, एक सदाबहार है आम की वैरायटी, हाँ, और एक कलमी है। अच्छा, तो सर ये आम और जामुन का प्रोडक्शन कब तक आ जाएगा? इसका आम का है 2 से 3 ईयर 3rd ईयर में आ जाएगा। अच्छा, और जामुन का 1.5 से 2 साल में। अच्छा सर, तो सर ये साइड कितने तक हो सकती है, कितना पेमेंट बैठ जाएगा इसमें? ये अपनी साइड है, ये साइड है 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, और इसमें अपनी साइड है 90,245। अच्छा, 90,000 का खर्चा होगा। 90,000 का। तो सर कस्टमर अपने को सेटिस्फाइड करना है तो उस हिसाब से अपने को काम करना है। सर कोई बढ़िया कोई इश्यू नहीं है ना? मिट्टी सब ठीक है ना? मिट्टी ठीक है, बहुत शानदार है, ब्लैक सॉइल है, बहुत शानदार मिट्टी है, पानी में कोई फ्लोराइड नहीं है। तो सर कोई इश्यू ऐसा तो नहीं आएगा ना कि जैसे पौधा सूख गया तो उसका कौन क्या कर रहा है? जैसे मान लो पौधा सर्वाइवल नहीं करता, उसके पहले अगर पौधा सूख जाता है तो उसकी कौन जिम्मेदारी है? वो कंपनी ले रही है ना इस चीज़ के। अब हमारी कंपनी है, अगर 3 मंथ तक सर्विस देगी, अगर प्लांटेशन कोई बीच में सूख जाता है तो 3 मंथ तक प्लांटेशन फ्री में लगेगा। अच्छा सर, जैसे मान लो 10 पौधे सूख गए तो 10 पौधे आप लगाओगे? 10 पौधे नए लगेंगे सर। ये बहुत बढ़िया है। चलो सर, और सर जैसे मान लो अभी पौधा कितने टाइम में ग्रोथ कर जाएगा? ये 3 मंथ में सर्वाइवल कर जाता है पौधा। अच्छा अच्छा, उसके बाद ग्रोथ ही करनी है। और ग्रोथ टोटल ऑर्गेनिक होगा ना सर? ये टोटल ऑर्गेनिक होगा और इसमें फर्टिलाइजर डालना होगा 15 दिन। तो ठीक है सर, अपना काम बहुत बेस्ट है। ठीक है ठीक है।